कभी सोचा है कलयुग में आध्यात्मिक सफर कैसा होता है? बात बताने लायक है, कलयुग में ज्ञान धूमिल हो जाता है, लोग सिर्फ तथ्यों और तर्क पर अटक जाते हैं, सच्चे गुरु दुर्लभ हो जाते हैं, होंगी गुमराह करके फायदा उठाते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, भक्ति आसान हो जाती है, बस भगवान का नाम लेने से मोक्ष मिल सकता है। वेद और शास्त्र अक्सर भुला दिए जाते हैं, नैतिकता का पतन शुरू हो जाता है, क्रोध, ईर्ष्या, घमंड और वासनाएं हावी हो जाती हैं, जिससे नैतिकता गिरती है। जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर भेदभाव बढ़ता है, जिससे अशांति फैलती है, पारिवारिक बंधन कमजोर होते हैं, संयुक्त परिवार टूटकर एकल परिवार बन जाते हैं, सदाचारी अल्पमत में आ जाते हैं, भ्रष्ट लोगों की छाया में दब जाते हैं। फिर भी कलयुग के अंत में आध्यात्मिकता फिर से जीवित हो जाती है, बदलाव की लहर आती है, लोगों को विश्वास और सच्चाई की ओर वापस लाती है। ऐसे और ज्ञान के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।